मेरे नाम के हर किन्नर सभी को सांसों के गले का हार किया। तुम्हीं ना भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको IITI का फॉर्म भर के बताएंगे कैसे क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसमें लिस्ट में नाम आता है, कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं, ये सारी हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले हम इसमें रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है। तो इसका जो समय सारणी दी गई है, और समय सारणी है आपके पास जो 1/5/2024 से प्रारंभ हो गए हैं IITI के फॉर्म भरने के लिए। ठीक, बात करते हैं इस पर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें IITI की न्यू वेबसाइट पे आना है। उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके बाद कन्फर्म पुष्टि करेंगे। यहाँ पूछेगा क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। यह पूरा IITI मध्य प्रदेश का है, इसलिए यहाँ यस करेंगे। और हमारे पास मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यस करने पर यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो समग्र IITI का पोर्टल है उसके अनुसार इसका डाटा आएगा। और इसमें लिखा भी है कि अगर आपके पास समग्र IITI है, उसका KYC नहीं है, तो आप पहले KYC कर उसके बाद वेरीफाई समग्र करेंगे, तो एक मेरे रजिस्ट्रेशन मोबाइल OTP जाएगा। जैसे ही मैं OTP डालूंगा यहाँ पे 6 9 वेरीफाई OTP करूंगी, उसके बाद ये तुरंत मेरे जो जानकारी है वो सामने डिस्प्ले पे शो होगी। अगर कोई गलत है तो आप यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हैं, जो एडिट बटन दिया हुआ है आपके सामने, तो इस सब बटन पे जाके आप एडिट भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, ये वाला भी एडिट है, ये भी एडिट है, ये तीनों चीज आप हिंदी का नाम जो दिया है उससे आप एडिट कर सकते हो। ठीक, तो अब ईमेल IDपूछ रहा है कि ईमेल IDभी डालें, तो चलिए ईमेल IDडालते हैं। तो ईमेल IDआप वही डालें जो एक्टिवेट हो, इसमें भी एक OTP आएगा। ओके, जैसे OTP वेरीफाई करेंगे सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह जनरेट हो गया है, और पासवर्ड में आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ आएगा। फिर उसके बाद हम कंफर्म पुष्टि करेंगे, तो हमारे पास पूरा जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। ठीक, अब यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही कंप्लीट करेंगे उसके बाद हमारा ऊपर जो पूरा भरा है, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ रेस्टूडेंट कितना है, हिंदू धर्म क्या है आपका, हिंदू IITI में आप किस आधार पर देना चाहते हो, 8वीं 10वीं या दोनों पे, तो मैं 10वीं से सिलेक्ट करूंगा। उस पर आपकी अधिकतम योग्यता क्या है, तो मैं यहाँ 10वीं ही डालूंगा। उसके बाद यहाँ आधार नंबर पूछता है, राइट, तो आधार नंबर आपका जो भी हो वो यहाँ आप डाल दें अपने। उसके बाद यहाँ कैटेगरी पूछता है, OBC है तो OBC आप सिलेक्ट करेंगे, OBC में आपको यहाँ OBC नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ डेट डालना पड़ेगा, इसे किसने जारी किया वो इस जगह पर डालेगा। ठीक, तो ये सब डालने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, वेरीफाई सत्यापन करेंगे, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। मैं जनरल से फॉर्म डाल रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये तीन जो है नहीं डालेंगे। उसके बाद कैटेगरी पूछता है, कोई नहीं है मेरा, यहाँ पूछता है विकलांग, स्वतंत्रता संग्रामी, भूतपूर्व सैनिक, या NCC, या पंजीकृत अनाथालय के अनाथ बच्चे, या विभागीय IITI, तो मेरा सबसे कुछ नहीं है, अगर आपका है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पूछता है कि इसमें कोई आपके कोई स्पेशल कैटेगरी है क्या, भोपाल गैस पीड़ित, माफ मंद अग्रम प्रभावित, या डूब से प्रभावित परिवार, मेरा कोई नहीं है। उसके बाद पूछते हैं क्या आप डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेन अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक हैं, उसमें नो करेंगे। उसके बाद क्या आप पुलिस IITI में प्रवेश लेना चाहते हैं, केवल पुलिस विभाग के परिवार या सदस्य के लिए स्थान है, अगर आप कोई पुलिस फैमिली से बिलोंग करते हैं तब आप यहाँ यस कर सकते हैं, अन्यथा नो रहेगा। उसके बाद इस स्कीम के अंतर्गत IMC सीट की फीस भुगतान के अनुसार आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा मैं नो करूंगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर वाला नो रहेगा। वार्षिक इनकम मैं यहाँ डालूंगा,
उसके बाद कोई जमीन है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ जीरो रुपए के। और उसके बाद यहाँ संगठित कर्मचारी पुत्र पुत्री हैं, उनको करेंगे ओके। और उसके बाद यहाँ एड्रेस आता है, यहाँ एड्रेस अपने हिसाब से जो आपके निवास प्रमाण पत्र के अनुसार ही अपना डालें ठीक। तहसील हो गया अपना, छतरपुर ब्लॉक हो गया छतरपुर, विधानसभा हो गया अपना छतरपुर, पिन कोड अपना 6701001 ओके। ये अपना पूरा एड्रेस अपने आधार कार्ड निवास के अनुसार ही डालें। मैं तो जब डेमो के लिए डाल रहा हूँ ओके। तो इस तरह से आपको ये पूरा फॉर्म फिल कर लेना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे, सबमिट टू सेव डाटा पूछेगा, आपका डाटा पूरा सेव हो चुका है ठीक। अपना पहला स्टेज जो आपका है वो ये पंजीकरण पूरा सही हो गया, उसके बाद शिक्षक योग्यता यहाँ डालेंगे ओके। शिक्षक योग्यता के लिए आपको 8वीं या 10वीं अपन ने सेलेक्ट किया था, तो आप केवल 10वीं वो भी डालेंगे। यहाँ अपना रोल नंबर डालेंगे जो भी आपका हो, यहाँ अपना परसेंटेज डालेंगे 2020 में किया, परसेंटेज डालेंगे ओके, सेव कर देंगे डाटा। ये हमारा पूरा डाटा सेव हो गया है। अब आ रही आती है अपलोड इमेज। तो इमेज आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आपको किस तरह की फोटो यहाँ अपलोड करनी है ओके। तो यहाँ से आपको फोटो अपलोड कर लेनी है। तो इस तरह से फोटो साइन अपलोड हो जाने के बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो फाइनली हमारा पूरा जो फॉर्म है वो भर गया है। और उसके बाद आई डिक्लेयर कर पूरा क्लिक करेंगे, और एक बार पूरा चेक करने के बाद प्रोसेस विथ पेमेंट करेंगे। जैसे ही ये करेंगे, हमारा फॉर्म जो भरा है वह पेमेंट के लिए पहुंच जाएगा। उसको आप नेट बैंकिंग, एटीएम या डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट करने के बाद जो ये आखिरी में ऑप्शन आता है आपका फ्रंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पे आके आप दोबारा अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये प्रिंट आउट अपना पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ ऑप्शन पे आएगा ओके। तो प्रोसेस टू पेमेंट करते हैं, यह पूछ रहा है प्रोसेस टू पेमेंट अपन करेंगे यस। उस पर ये जानकारी आपके सामने पूरा डिस्प्ले पे शो हो रही है। यहाँ पे 15 रुपये फीस कट रही है ठीक। क्रेडिट कार्ड पे 2 रुपये ट्रांजेक्शन है, डेबिट कार्ड पे 2 रुपये है, नेट बैंकिंग पे 2 रुपये है, और यूपीआई पे 2 रुपये आपका ट्रांजेक्शन है। तो जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे टोटल 17 रुपये आपके लगेंगे। तो फिर ये यूपीआई पेमेंट किया, इसके बाद यस कहता है। तो इस तरह से आप अपना पूरा बारकोड से आप पेमेंट कर दोगे इसका। जैसे पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक डिस्प्ले पे बारकोड स्कैन होगा, इसको आप स्कैन करके पेमेंट कर दें। फिर आपका दोबारा से आईटीआई की वेबसाइट पे जाकर जो ये वेबसाइट है दोबारा इस पे लॉगिन करेंगे, यहाँ से रजिस्टर नंबर डालकर पासवर्ड डाल के, और फिर आपका जो प्रिंट आउट है वो आपका निकल आएगा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से फॉर्म भरा, ऐसे ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका चॉइस फिलिंग है जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है, केवल रजिस्ट्रेशन अकेले ही हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना आईटीआई का फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।